नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के इस विजेता बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास साइंस की क्लास होगी, यह साइंस की पहली क्लास है। यदि हम अपने सिलेबस को देखें तो सिलेबस में साइंस से केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 प्रश्न साइंस के पूछे जाएंगे और इसके लिए सिलेबस में केवल लिखा है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, बाकी डिटेल सिलेबस इसका नहीं है। तो हम लोग इसलिए समझदारी ये है कि सबसे पहले आयोग द्वारा विगत वर्षों में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख ले, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाए कि आयोग कहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठाता है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बचेंगे उनको एक दो वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा, कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे शरीर को, कहने का मतलब, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। यदि पूछा जाए प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इसी के आसपास मिलती है। अगर वसा से पूछा जाए, फैट से, ठीक है, ये फैट से हमें लगभग 9.5 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है हमें? 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन से अगर बात करें तो 4 किलो कैलोरी के आसपास, और फैट से बात करें तो 9.5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रति ग्राम कौन सा तत्व तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, तो सब प्रति ग्राम की अगर बात हो तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें फैट से मिलती है, ठीक है। फैट की 1 ग्राम से हमें 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर को के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। हम फैट जो है वो कम खाते हैं, फैट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है प्रति ग्राम, लेकिन फैट का सेवन हम अपने भोजन में कम करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, हम एक थाली चावल खाते हैं उसके सापेक्ष 1 चम्मच घी खाते हैं, ठीक है। तो किससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो अगर शरीर के बारे में पूछा जाए शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में प्रति ग्राम अगर पूछा जाए कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, तो फैट देता है। फैट कितना देता है? 9.5 के आसपास। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। वसा में घुलनशील नहीं तो पूछ रहा था, मतलब जल में घुलनशील होना चाहिए। भाई दो ही प्रकार के विटामिन है, एक विटामिन वसा में घुलनशील है, दूसरा क्या है? जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन? जो विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होगा वो जल में घुलनशील होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी है, विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन यह इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? सी। तो सी जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह इसमें वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो विटामिन सी नहीं है। बाकी विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों के चारों विटामिन क्या है? ये सभी वसा में घुलनशील है, ठीक है। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम देखें तो इसका हो जाता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी का अगर देखें तो कैल्सीफेराल, विटामिन ई का टोकोफेराल, विटामिन के का ये हो जाता है फिलोक्विनोन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि रासायनिक नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेराल, विटामिन ई टोकोफेराल, विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। बादाम कौन से विटामिन से में समृद्ध होता है, ठीक है? विटामिन ई, ठीक है। बादाम में विटामिन ई ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बादाम में विटामिन ई ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं बादाम में, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से, ठीक है, विटामिन ई की कमी से बाजपन नामक रोग हो जाता है, ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछा गया है। तो बादाम में कौन सा बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होता है? तो विटामिन ई। विटामिन ई का भी हमने देखा रासायनिक नाम क्या था? विटामिन ई का था हमारा टोकोफेराल, ठीक है। विटामिन डी का था कैल्सीफेराल, विटामिन डी का था हमारा कैल्सीफेराल, विटामिन ई इसका था टोकोफेराल, विटामिन के ये था हमारा फिलोक्विनोन। विटामिन के जो होता है ये रक्त के स्कंदन में, रक्त जमाव में मदद करता है, ठीक है। और विटामिन ए
इसका रासायनिक नाम था रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक, ये सब चीजें बार बार आप दोहराते रहिए जिससे याद हो जाए, यहां से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अब पूछ रहा पानी में घुलनशील, सीधे सीधे पूछ लिया होता है कि वसा में घुलनशील कौन है तो आदमी एक झटके में लगा देता, पूछ रहा पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में अगर घुलनशील नहीं है तो वसा में घुलनशील होगा, दो ही प्रकार के तो विटामिन है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई, विटामिन के। तो कहने का मतलब इसी में से हमारा कोई उत्तर होगा, लेकिन यहाँ नाम जो है वो विटामिन ए डी ई के ना देकर ये दिया है रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, थायमिन क्या है, थायमिन विटामिन बी वन है। राइबोफ्लोविन क्या है, बी टू है। नियासिन क्या है, बी थ्री है। तो बी वन बी टू बी थ्री ये सब क्या है, विटामिन बी के रूप है। और हमें पता है विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील है। तो हमारा पहला उत्तर रेटिनॉल सही हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में आप लोग पढ़िए, ठीक है, जिससे कि यदि इससे प्रश्न पूछे जाए तो हमारे प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए डॉट डॉट महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सेब में क्या क्या ज्यादा पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए आपको कहा जाता है सेब, जितने भी हृदय रोगी होते हैं उनको सेब कहा जाता है कि आप खाते रहिए, क्योंकि ये जो हमारा आयन होता है, ठीक है, उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, ये पोटेशियम और क्या रखता है, उच्च रक्तचाप। ठीक है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उच्च रक्तचाप जिसका होता है उसके लिए भी अच्छा है, इसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, और जो हृदय के रोगी हैं उनके लिए सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। ठीक है, मांसपेशियों को ये सही रखता है। ठीक, ये हो गया। आपको अगर पैरालिसिस की दिक्कत आने होने वाली है तो उसके लिए भी आपको लिए सेब जरूरी, क्योंकि सेब में पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम आपके लिए, आपके हृदय के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पैरालिसिस जिसमें लकवा मार जाता है, ठीक है, पैरालिसिस में पोटेशियम की आवश्यकता होती है, वो हमें कहां से मिलता है, सेब से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घातक रक्तलापता, ठीक है, मतलब घातक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, वह स्थित होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। स्वस्थ का मतलब लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं लेकिन वो परिपक्व नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब वो पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाती, जिनसे हम कोई काम ले सके, नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डॉट डॉट नहीं होता, क्योंकि शरीर में जब विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होने लगती है, ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होने लगती है तो जो हमारी रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं वो अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं आ पाती, और इस अवस्था को घातक रक्तलापता कहा जाता है। ठीक है, घातक रक्तलापता कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये पाया जाता है कोबाल्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी, इनकी सामान्य संख्या कितनी होती है एक वयस्क में, ये होती है 4.6 से लेके 6.2 तक। ठीक है, 4.6 से लेकर होती है 6.2 मिलियन तक। ठीक, 6.2 मिलियन तक ये होती हैं। ये क्या है, मिलियन में संख्या है, 4.6 से 6.2 आरबीसी होती हैं, और आरबीसी का यदि हम देखें कि जीवन काल कितना होता है, ये 80 से 120 दिन के बीच इनका जीवन काल होता है। ये बनती कहाँ है, ये बनती है बोन मैरो में, ठीक है, और ये प्लीहा में क्या करती हैं, मर जाती है। ठीक है, प्लीहा में मर जाती है, तो आरबीसी का ये हो गया 4.6 से 6.2 मिलियन इनकी प्रति एमएम क्यूब संख्या होती है, 80 से 120 दिन तक ये जीती है, बोन मैरो में प्लीहा में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि डाट डाट में प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन विटामिन सी फोलेट आयरन मैग्नीशियम कैरेटोनाइड फाइटोकेमिकल और प्रत्यक्षी कारक पाए जाते हैं, तो ये सब के सब पाए जाते हैं गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग।
जितने भी गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन, ठीक, खनिज लवण, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मतलब जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, वो सब मिल जाएंगे यदि आप विभिन्न प्रकार के हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग। और इसमें हमारा कितना कौन सा उत्तर सही था, 4.6 से 6.2 मिलियन। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, मतलब एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं वो क्या है, वो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो हमारे क्या है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स है। इनका मुख्य काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, मानव शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ठीक है, जिससे शरीर में जो टॉक्सिक बनते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, शरीर जल्दी जल्दी बुढ़ा नहीं होता। ठीक है, यही इनका काम होता है, इनका नाम क्या, फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अगला प्रश्न हमारा है कि जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ जो जल में घुले होते हैं उनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। ठीक है, सबके घर में, जिनके घर में पानी दूषित आता है उनको, उनकी कोशिश क्या रहती है, आरओ लगवाने की। ठीक है, आरओ क्या करता है, इसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन करता है। ठीक है, आसवन करता है और आयन एक्सचेंज विद द्वारा ये क्या करता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको दूर हटाता है। तो इसका सही उत्तर है रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, संगमरमर का एक प्रमुख घटक जो है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का प्रमुख घटक है। हम लोग जब चूने से अपने घर की पुताई करते हैं, ठीक है, दीवार की पुताई करते हैं, तो घंटे दो घंटे बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे दूधिया होने लगता है। तो जो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है COOH, ठीक है, इस पे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया करती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक पपड़ी में बदल जाता है और सफ़ेद रंग, दूधिया रंग देता है। तो इसी प्रकार हमारा घर क्या होता है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है। तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही किस में पाया जाता है, संगमरमर में भी पाया जाता है। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमारा क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का COOH का घोल पाया जाता है। ठीक है, तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का प्रमुख घटक है। ठीक है, अब आपका पूछा जाता है कि जब चूने के पानी पर हवा छोड़ी जाती है, ठीक है, मुंह से हवा छोड़ी जाती है, तो उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है, उस समय भी वो चूने के पानी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली पपड़ी जमने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस आवृत की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। ठीक है, मनुष्य द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनता है। इससे ऊपर की ध्वनि, इससे नीचे की ध्वनि होती है वो मनुष्य के लिए अश्रव्य होती है, अश्रव्य होती है। ठीक है, और इससे ऊपर जो होती है उपरा श्रव्य होती है। ठीक है, ना इसके नीचे की ध्वनि हम सुन पाते हैं, ना इससे ऊपर की ध्वनि हम सुन पाते हैं। हम सुनते कहाँ, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुनते हैं। तो इसमें से कौन से 20 से 20,000 के बीच है, तो ये तो कम है, ये तो 50,000, इससे ज्यादा है, ये 100 हर्ट्ज, ये 20 से 20,000 के बीच में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। ठीक है, फारेनहाइट जो स्केल है उसमें पानी का क्वथनांक कितना होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो फारेनहाइट स्केल जो होता है वो 180 भागों में बटा, जैसे अगर डिग्री सेल्सियस हम देखते हैं तो 0 से कहाँ तक होता है, 100 तक, 100 बराबर भागों में बटा होता है। लेकिन जो फारेनहाइट होता है वो 0 से लेके 180 तक में बटा होता है। यदि हम बात करें फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है, तो पानी का जो क्वथनांक, ठीक है, एक होता है क्वथनांक होता है, दूसरा होता है हिमांक। पानी कितने पे उबलेगा ये अगर पूछे तो ये होता है 212 फारेनहाइट। ठीक है, और पानी कितने पर जमेगा, ठीक है, कितने फारेनहाइट पे, ये होगा 32 फारेनहाइट। ठीक है, अगर यही पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अगर यही पूछा जाए क्या नाम है केल्विन में, तो केल्विन में आपका जमेगा 273 केल्विन, और जो उबलेगा ये 373 केल्विन।
एक प्रश्न और पूछा जाता है, कौन सा पैमाना ऐसा है जो माइनस में नहीं जाता है? तो केल्विन पैमाना, ठीक है, केल्विन पैमाने से कभी माइनस में टेम्परेचर नहीं मापा जाता। सबसे नीचा पैमाना को तापमान का होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तापमान, ये इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता, ठीक है, इससे नीचे तापमान हो नहीं सकता। और इस तापमान को प्राप्त करने के लिए केल्विन पैमाने को केवल 0 केल्विन तक आना होता है, ठीक है। 0 केल्विन बराबर कितना हो जाता है? 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पैमाना कभी भी माइनस में नहीं जाता, तो केल्विन पैमाना कभी भी माइनस में नहीं जाता। बाकी फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और रोमर का जो है पैमाना, वो सब नेगेटिव में जाते हैं, लेकिन केल्विन पैमाना कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन से नीचे कभी भी तापमान नहीं हो सकता। तो ठीक, हमने ये देखा कि पानी का जमता कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम फारेनहाइट में देखें तो फारेनहाइट में ये 32 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन में देखें तो ये 273 केल्विन। अगर पानी उबलने की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फारेनहाइट में तो 212 डिग्री फारेनहाइट। अगर केल्विन में देखें तो 373 केल्विन, ठीक है। एक प्रश्न और हमने बताया कि कौन सा पैमाना कभी निगेटिव में नहीं आता, केल्विन पैमाना, क्योंकि सबसे न्यूनतम ताप जो होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यह किसके बराबर होता है? 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। तो केल्विन पैमाना कभी भी निगेटिव में नहीं जाता। तो आप यहाँ पर 4 प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है टंगस्टन, ठीक है। विद्युत बल्ब जो होते हैं उसको, अगर उसका जो फिलामेंट बनाना होता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टंगस्टन। क्योंकि जो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इतने तापमान पे गलेगा। और जो बल्ब जलता है वो लगभग जलता है 1650 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो हमारा टंगस्टन है ये पिघलेगा नहीं, ठीक है, ये इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं, तो इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है किसमें? बल्ब का फिलामेंट बनाने में, ठीक है, क्योंकि ये इतनी जल्दी पिघलता नहीं, ठीक है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए मेरा निवेदन है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है आप इसका कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्न में से किस तत्व से बना है? तो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया आपका, हीरा हो गया, ये सब क्या है? कार्बन है, ठीक है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किसका बना है? कार्बन का बना है, ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा, दोनों के दोनों किसके बने हैं? कार्बन के बने हैं। और ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ आप देखते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग आप पेंसिल में देखते हैं, पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। इसे स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मंदक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे यदि किसी चीज में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि वो वापस फिर अपनी स्थिति को नहीं आ सकता, जैसे जल है, जल बर्फ में चेंज हो गया, लेकिन यदि इसको उष्मा देंगे तो ये क्या करेगा, ये फिर से जल में बदल जाएगा, ठीक है। इसको इसको फ्रिज में रखा तो ये तापमान घटा, बर्फ में बन गया, इसको हमने गैस पर रखा तो फिर से ये जल में परिवर्तित हो गया। लेकिन यदि आप दूध से दही बना लें, ठीक है, दूध था, इसको आपने रखा और ये दही में परिवर्तित हो गया, क्या अब आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जिसमें एक पदार्थ दूसरा पदार्थ बने और फिर उससे पहला पदार्थ बना ले, ठीक है, तो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, हो जाता हमारा भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि वह रिवर्स ना हो तो हमारा हो जाता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यदि हम देखें कि मूंग नहीं हो गया, मोम अगर पिघलती है, ठीक है, मोम को अगर हम पिघलाएं तो मोम से क्या बनेगा? पिघला के उसको हम द्रव अवस्था में ला सकते हैं, तो उसको अगर जमाएंगे फिर से ठोस अवस्था में आ जाएगा। पानी अगर जम गया तो उसको हम पिघला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया का मतलब होता है पौधे से जल का वाष्पित होना, ठीक है, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है
पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य का प्रकाश लेती हैं, ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेती हैं। नीचे पौधे की जो जड़ आती है इससे जल और खनिज लवण ले लेते हैं, ठीक है, और ये पत्तियां क्या करती हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पहले से होता है और CO2 ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सबको लेकर ये क्या करती हैं, ये बनाती हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। और अब कभी भी हम कार्बोहाइड्रेट से क्या जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, रासायनिक परिवर्तन। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व का बना है, ठीक है, इनमें से जो हीरा है, ठीक है, हीरा जो है हमारा एक तत्व का बना है, वो हमारा एक तत्व क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन का बना है हीरा, केवल एक तत्व का, ठीक है। और हीरे में अगर फिजिक्स की नजर पे देखें तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें पाया जाता है, हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है, इसीलिए ये रात में जगमगाता है, ठीक है, लाइट पड़ती है तो इसके अंदर एक बार लाइट जाने के बाद बहुत देर तक लाइट अंदर ही घूमती रहती है, इसलिए चमकता ज्यादा है, ठीक है। तो हीरा जो है एक तत्व का बना है, ठीक है, वो भी किसका, कार्बन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, रोजाना आपके लिए वीडियो में लाता रहता हूँ और आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और सभी वीडियो जो होंगे वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका प्यार हमें बराबर मिलता रहे। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट एक साधारण लोलक की समय सीमा, यहाँ गलत लग गया है, एक साधारण लोलक की समय सीमा डॉट डॉट पर निर्भर करती है, तो एक जो लोलक होती है उसकी जो समय सीमा कितनी देर तक ये कितनी तेजी से या कितनी धीमे धीमे ये लोलक घूमेगा, तो लोलक की जो तागे की लंबाई होती है उस पर निर्भर करता है। जैसे एक लोलक है, इसकी तागे की लंबाई 1 मीटर है, यहाँ लोलक बढ़ा है, तो ये लंबाई अगर 1 मीटर है तो मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चलने मान लो इसको एक बार आने में 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है, इधर जाने इधर आने में, अगर ये लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बहुत दूर तो ऐसे ऐसे जाएगा, धीमे 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 इसका चाल धीमी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, इसका जो समय है आवर्तकाल हो जाए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो साधारण लोलक की जो समय सीमा होती है, घूमने की जो समय सीमा होती है, वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी में जब इस लोलक की धागे की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, इसकी लंबाई जब गर्मियों में बढ़ जाती है तो क्या होती है, घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि समय ज्यादा लेने लगती है दोलन करने में, ठीक है, और ठंडी में जब इसमें सिकुड़न आ जाती है तो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है। तो सबकी इसका कारण क्या है, तो जो ये तागे की लंबाई होती है, चाहे तार की हो चाहे धागे की हो, उसी पर ये निर्भर करता है। लंबाई अगर बढ़ेगी तो लोलक जो होगा वो सुस्त हो जाएगा, धीमे धीमे चलेगा, और यदि लंबाई घटेगी तो तेजी तेजी से चलने लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, पेट में एक ही पाचक रस पाया जाता है, वो भी हमारा क्या है, HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो पेट हमारा स्टमक है उसके माध्यम को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है, अम्ल है तो अम्लीय बना देगा, जो अम्लीय बना देता देगा तो प्रोटीन का पाचन सरल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे प्रोटीन है वे प्रोटीन जो हमारा वो अम्लीय माध्यम में पचते हैं, तो प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए। पेट में पाया जाता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सिक्रीट होता है, पेट के जो माध्यम होता है वो अम्लीय हो जाता है, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, और साथ साथ यदि भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो वांछित हैं, उनको भी ये HCl में ये मर जाते हैं, ठीक है, HCl में मर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डॉट डॉट मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है, ठीक है, मानव हृदय की अगर बात करें तो मानव हृदय के 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऊपर जो हमारा पाया जाता है, ऊपर हमारे अलिंद पाए जाते हैं, ठीक है, ऊपर जो हमारे पाए जाते हैं अलिंद पाए जाते हैं, एक मिनट, ऊपर जो हमारे हैं अलिंद पाए जाते हैं, ये वाला जो होता हमारा, ये हमारा दाया अलिंद,
ये हमारा बायां, ठीक है, ये हमारा बायां आलिंद होता है। तो उसी प्रकार ये निलय होते हैं, ये हमारा होता है बायां निलय, ये होता हमारा दायां निलय, ठीक है, दायां निलय। तो इस प्रकार चार भाग होते हैं। जो हमारा जो बायां बायां वाला जो हमारा निलय होता है, ये होता है सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मजबूत, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हमारा क्या होता है, बायां निलय होता है, ठीक है। ये इस तरह आपको उल्टा दिख रहा होगा, जैसे कि अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसके सापेक्ष में आपको बता रहा हूं, तो जैसे मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा, जो हमारा हाथ दाहिना होगा, उसके ठीक सामने वाला उसका क्या होगा, बायां। तो इस प्रकार ये हो गया बायां आलिंद, और ये हो गया बायां निलय, और ये हो गया दायां आलिंद दायां निलय। तो जो बायां निलय होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, हृदय में चार कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो हमारा इसका सही है बायां निलय। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है। परमाणु बम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 235 का, ठीक है, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं परमाणु बम बनाने का। और परमाणु बम में नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया होती है, तो यह नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया जो होती है वो अनियंत्रित होती है, ठीक है, अनियंत्रित होती है, ये नियंत्रित नहीं होती है, इसीलिए यह क्या करता है, भारी नुकसान करता है, ठीक है, भारी नुकसान करता है। जब इसी को नियंत्रित रूप से किया जाता है तो नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बिजली प्राप्त होती है, ठीक है, बिजली प्राप्त होती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। देखते हैं कि एक ही प्रकार की चीज है, ठीक है, यूरेनियम 235 थोरियम का प्रयोग वहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन एक जगह यदि वो अनियंत्रित हो जाता है तो विनाशक हो जाता है हमारे लिए, और जब उसे नियंत्रित रूप से प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए वो वरदान साबित होता है। तो किसी भी चीज का उपयोग हमें नियंत्रित रूप से करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे लिए वरदान बनी रहे। तो यूरेनियम हो गया हमारा, यूरेनियम 235 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, परमाणु बम बनाने में करते हैं। उसी प्रकार प्लूटोनियम का भी करते हैं, ठीक है, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239, इसका प्रयोग भी क्या करते हैं, हम परमाणु बम बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डॉट डॉट प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है, ठीक है, तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है, वो हमारी है फलियां, ठीक है, जो बीन्स आते हैं, ठीक है, मार्केट में हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, कहते हैं बीन्स दे दीजिए, जो बीन्स होती हैं उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अभी हमने देखा प्रोटीन, प्रति ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी, वसा से 9.5 किलो कैलोरी के आसपास। यदि हमने बात करें कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रति ग्राम ऊर्जा किससे ज्यादा मिलती है, तो फैट से, ठीक है, ये सब चीजों में आप डिफर करिएगा। अगर हम बात करें कि जो शाकाहारी हैं उनके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होगा, ठीक है, जिससे कैलोरी कम मिले प्रोटीन ज्यादा मिले, तो होंगी फलियां होंगी, ठीक है, तो ये हमारी बीन्स होंगी, इनसे ज्यादा कैलोरी हमें मिलेगी, ठीक ठीक, कम कैलोरी मिलेगी और प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है। तो जो घरेलू पानी अपने घर पर प्रयोग करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, उसका लगभग 80% पानी हम कहाँ से लेते हैं, भूजल बोरिंग करके निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जल को धरती में सुखवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, हमेशा हर पानी को आप नाली के द्वारा नदियों में ना डाल दीजिए, जिससे कि नदियों से वो पानी होते हुए समुद्र में चला जाए, आपका जो जल के अंदर जमीन के अंदर का जो जल हो सूखता चला जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आपका घर कोई है, ठीक है, आपका मकान है, तो आपका जो मेन रोड है, ठीक है, ये मान लो मेन रोड है, मेन रोड से आपके घर तक जो रास्ता आया, आप उसको तो पक्का कर दीजिए, ठीक है, बाकी यहाँ पे आप ईंटे मत बैठाइए, ठीक है, यहाँ पर आप ईंटे मत बैठाइए, आप कोशिश कीजिए कुछ क्यारी बना दीजिए, कुछ छोटे छोटे पुल लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, बारिश का पानी आए आपके घर का तो इधर से होके जाए और तो छोटा थोड़ा बहुत पानी ये सूख ले, जिससे कि हमारे नीचे जो घर के नीचे जो जल है वहाँ पे जल स्तर बराबर बना रहे, हमारी बोरिंग से पानी आता रहे। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईंटे बिछा देंगे, ठीक है, ईंटे बिछा देंगे तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, ये नालियों के माध्यम से नालों में जाएगा, नालों से नदी में जाएगा, नदी से समुद्र में चला जाएगा, और जो हमारे जमीन के नीचे का पानी जिसे हम रोज बोरिंग से निकाल रहे हो, धीरे धीरे सूखता चला जाएगा और एक समय आएगा कि हम पानी के लिए मुहताज हो जाएंगे। कोशिश ऐसा करना चाहिए कि घर जो बने उसमें एक
जो आपके छत का पानी आए वो कहीं जाके पहले रिजर्व हो, अगर वहां से ज्यादा हो जाए फिर उसके बाद वो नालियों में जाए। तो सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग कोशिश नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं जब घर बनवाऊंगा मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस प्रकार बनवाऊंगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये 18 कैरेट पूछा है, कुछ और भी पूछ ले तो निकालना हमें आना चाहिए कि कितना होगा। इसे याद करके हम क्या कैसे जान पाएंगे कि मतलब मान लो 18 कैरेट या 16 कैरेट पूछ ले तो कितना याद रखेंगे। तो जो हमारा सोना होता है टोटल होता है 24 कैरेट का। ठीक, कुल सोना कितना होता है 24 कैरेट का। पूछ रहा है 18 कैरेट उसमें सोना है, तो 18 कैरेट सोना है तो बाकी चीजें चांदी या तांबा कितना है, तो 24 से घटाएंगे तो 6 कैरेट हो जाएगा। ठीक है, ये 6 कैरेट क्या है, ये अशुद्धि है। तो ये 6 कैरेट टोटल का कितना प्रतिशत यही पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 टोटल कितना है 24 गुणे 100 आप कर दीजिए, 6 से काटेंगे 6 चौक 24। ठीक है, और 4 से काटेंगे ये जाएगा 25 बार। तो ये आपका क्या है 25 प्रतिशत। ठीक है, 25 प्रतिशत उसमें क्या होगा, ये अन्य धातुएं होंगी अगर प्रतिशत में पूछा जाए। अगर यहीं पे 16 दे दिया होता, ठीक है, मान लेते हैं कि 16 कैरेट सोने में तावा चांदी में, सोने में तावा चांदी कितना मिला है, तो 16 24 से अगर हम घटाते 16 तो हमारा जाता 8। तो 8 कैरेट क्या है इसमें चांदी या तावा मिला है, बाकी क्या सोना है। तो कितना प्रतिशत तावा चांदी मिला है, तो 8 बट्टा 24 गुणे 8। हमने बताया अगर 16 कैरेट होता तो 16 और टोटल कितना कैरेट होता 24 कैरेट का, तो 24 माइनस 16 कर लेते हैं हम, हमारा आ जाता 8 कैरेट। 8 कैरेट अशुद्धि है, तो 8 कैरेट पूरे का कितना है 8 बटा 24 गुणे 100 कर देते, 8 त्रिक 24, 3 से काटते तो हो जाता 33 सही है बटा 3 प्रतिशत। तो इतनी अशुद्धि मिली है, तो आप निकालना अगर जानते हैं तो आप हमेशा निकाल ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस वही गैसें होती है जो हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं। इसमें से मेथेन बढ़ाता है, अगर नाइट्रोजन बढ़ा रहा होता तो भाई रहने लायक जगह नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे तापमान में 78% पाया जाता है, काफी मात्रा में पाया जाता है। अगर ये बढ़ा रहा होता शरीर मतलब धरती के तापमान को तो कितना बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा, तो नाइट्रोजन नहीं है। बाकी जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड ये बढ़ाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है 0.03% हमारे वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन अब बढ़ गया है, किसी किसी किताब में अब 0.04% भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, जब बेकिंग पाउडर पानी में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो जब बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है, तो उसे खाने वाले सोडे क्या कहते हैं, सोडियम कैल्शियम, एक मिनट, खाने वाले सोडे को सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें जब बेकिंग पाउडर के खाने वाले सोडे को पानी में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, CO2 गैस किसमें मदद करता है, ये आग बुझाने में मदद करता है। ठीक है, ये आग बुझाने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा। ठीक है, और कल भी आपकी साइंस की ही क्लास होगी जिसमें और जो प्रश्न पूछे गए उनको भी हल करेंगे, आप देखेंगे। ठीक है, आप मैंने देखा है कि साइंस के सेम क्वेश्चन पूरे इसके आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट हुए, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो हमें पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने आए हुए प्रश्न उनको हल कर लेते हैं, अगर उसके बाद कुछ प्रश्न बचेंगे फिर उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी आपसे विनती है, गुजारिश है। ठीक है, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बाकी यदि आपका ये प्यार मिलता रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए रोजाना नए नए अच्छे अच्छे प्रश्नों के वीडियो लाता रहूँगा और आपकी पढ़ाई में मदद खूब मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आज विदा लेते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।